आज भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भारत आदिवासी पार्टी में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता एवं महिलाओं ने भारत आदिवासी पार्टी का दामन थामा। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान आया और संविधान के माध्यम से जो कानून आया, इस कानून में जो लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए हम कहेंगे जो भी प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, जो जिला कमेटी के बने हैं, प्रदेश कमेटी के बने हैं, वो एकदम एकदम समझना है कि मेरा समाज का काम हो रहा है, मेरा धर्म का काम हो रहा है, मेरा माटी का काम हो रहा है, मेरा आने वाला पीढ़ी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए भारत आदिवासी पार्टी में जोर शोर कभी छीने गया उसको रोकने के लिए विधायक सांसद लगातार सत्र में बातें उठाते हैं, तो वर्तमान के समय में आपके पास में अच्छा मौका है, चूंकि सदन में आप नहीं है, आप यहाँ पे जमीन पे जब आंदोलन करते हैं, बहुत सारे आंदोलनकारी यहाँ पे सबको पता होगा, जब सड़क पे आंदोलन करते हैं तो हम पे केस लगाते हैं, इसलिए एक आवाज हमारी स्वतंत्र आवाज सदन में भी होनी चाहिए, रांची विधानसभा में भी होनी चाहिए, और रांची में आपके 6 विधानसभा है, मुझे लगता है कि 6 के 6 विधानसभा आपके रांची क्षेत्र से, हम लोग उतारे के उतारे बैठे काशी जी, और उसको जिताने का काम आप लोगों का है, इस कारण से मैं थोड़ा सा आप लोगों को सलाह देना चाहूंगी, इस पे कायम करिए, चूंकि चुनाव हमारी होने की वजह से हमारी ये कहा जाए कि कर्तव्य है कि किसी एक सीट पे ध्यान नहीं देके हम चाहेंगे कि झारखंड के बेटी होने की वजह से यहाँ के आदिवासियों को न्याय मिले, यहाँ के मूल निवासियों को न्याय मिले, इसलिए प्रदेश से लेके जिला से लेके प्रखंड से लेके बूथ कमेटी तक आपको जाना है, और उसके संचालन की जो विधि है वो आपके जिला जो आपका अध्यक्ष है ये आपको बता देंगे, प्रदेश के अध्यक्ष ये आप लोगों को बता देंगे, तो हमको सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी है, जहाँ आपने के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी आप बिल्ली चूहे की तलाश रहती है, वैसे प्रेमशाली मुंडा जी राष्ट्रीय सदस्य हमारी झारखंड प्रभारी बबीता कच्छप जी, अजय कच्छप जी, जागरी उराव जी और हमारे बीच अभय कुमार जी एवं हमारे समक्ष बैठे सभी साथियों को जोहार। नजर 24 की ओर से सभी दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। आज हम लोग यहां पे कांके प्रखंड में रांची जिला सम्मेलन चल रही थी और ये सम्मेलन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहा। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग पिछले 2 महीना से जो जितने भी हम प्रखंड का गठन किए, सारे प्रखंड के हम लोग पदाधिकारी यहाँ पे बुलाए थे, उनको हम लोग प्रमाण पत्र भी दिए, उनको हम लोग टास्क दिए, क्योंकि चुनाव पहुँच चुका है, उनको टास्क भी दिए, और इसके अलावा हम लोग उनको संविधान का बात को पढ़ाए, हम लोग जल जंगल जमीन के मुद्दा को हम लोग पढ़ाए कि किस तरह से हम लोग राजनीति करना है और किस तरह से हम लोग को यहाँ पर हम लोग लोगों को मालिक बनाना है, इस बात को हम लोग नीति सिद्धांत पार्टी की जो नीति है जो सिद्धांत है इसको लेकर हम लोग उनको बताएं और उनको कहें कि चुनाव नज़दीक है, हम लोग एकदम तेज़ी से चलेंगे, और चूंकि हमारा स्ट्राइक ट्रेक बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग जानते हैं राजस्थान में 3 महीने में 5 विधायक बनाने वाली पार्टी है, और अभी 1 साल होने जा रही है पार्टी के, बावजूद 5 विधायक 1 सांसद, अभी उपचुनाव हो रहा है वहाँ 6 का उपचुनाव है राजस्थान में, और विधायक हमारे बढ़ेंगे, और अभी वहाँ से जो लोग हैं जो पार्टी को बनाए हैं वे लोग झारखंड आ रहे हैं चुनाव में प्रचार करने के लिए, उनसे हमको हौसला मिलेगा, उम्मीदें हैं, और जिस तरह से लोग भारत आज पार्टी से आशा और उम्मीद बनाए रख रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप पिछले 2.5-3 महीना बने हुए हुआ है भारत आज पार्टी, बावजूद आज हम लोग लगभग 15 जिला में इसका गठन हुआ है और सभी प्रखंड से लोग इसमें हुजूम के साथ जुड़ रहे हैं, आदिवासी भी जुड़ रहे हैं, मूलवासी भी जुड़ रहे हैं, कांके विधानसभा के अंदर एसी सीट है, लेकिन ये जो भारत आज पार्टी है नाम से भारत आज पार्टी जरूर हो सकती है, लेकिन ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है, ये संवैधानिक अधिकारों को लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, हम जानते हैं कि देश के सभी नागरिकों को कुछ ना कुछ संवैधानिक अधिकार दिया गया है, सभी की रक्षा हम लोग करने की बात करते हैं, सभी को लागू कराने की बात करते हैं, सबको लेकर चलेंगे, और जो भी एससी एसटी ओबीसी रिजर्व सीट हो अनरिजर्व सीट हो सभी सीटों पर हम लोग लड़ाएंगे, और जो भी हमारे विचार से धारा से मेल खाएगा उसको हम लोग टिकट देंगे। आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आपके नेतृत्व में रांची जिला का एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा, क्या विचार है कितने पार्टी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है?
देखिए पूरा झारखंड में अभी जिला सम्मेलन हो रहा है और ये रांची जिला सम्मेलन आज हम लोग संपन्न हुई और यही हम लोग का संपन्न होने का मतलब ये है कि कितने लोग हम लोग लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि पूरा आदिवासी सीट पर हम लोग अभी तैयारी चल रही है और रांची जिला में 6 या 7 विधानसभा है, उसकी कौन कैंडिडेट होंगे, कौन अच्छा विधायक होगा, कैसे हम गांव में वोट पोलाइजेशन हम करेंगे आदिवासियों के बीच में, ये सब सभी चर्चाएं हो रही है। इसी को लेकर के आज जिला सम्मेलन किया गया और कैसे जागरूक हो हमारा कार्यकर्ता वोट पोलाइजेशन के लिए, क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सभी ने आदिवासियों को ठगा है। और देखते हैं अभी हाल में ही कभी मैया योजना तो कभी गोगो योजना, तो हमारा जो प्लानिंग है, हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो रणनीति है कि झारखंड में जो भी आदिवासी रहते हैं, मूलवासी रहते हैं, सभी को एक आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा पॉलिसी बनाएंगे कि महीना में 1 लाख रुपया कमाएं। जैसे यहाँ पर हमारी योजना होगी कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे काम हो, नौकरी कैसे हो, कारोबार का अधिकार हो, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करें, गाँव में हम काम करें, तो जब तक संपूर्ण क्रांति न हो तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए ये पार्टी ठग रही है, बीजेपी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसलिए हम लोग की मूल्यों की राजनीति है, आने वाला समय चुनाव में जीतते हैं तो पूरी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से सभी समाज को लेकर के विकास करने का काम करेंगे। दादा, झारखंड में आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम लोग पूरी तैयारी चल रही है, अभी 20 तारीख के बाद हम लोग पूरा कहेंगे कि किस पर लड़ेंगे, जैसा टेम्परेचर देखेंगे सीट का वैसे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 30 से ऊपर हम लोग लड़ने वाले हैं। सर, आप जिस जिला में अभी बैठक कर रहे हैं वो जिला 6 विधानसभा पड़ता है, इसमें अब 6 विधानसभा में क्या चुनाव लड़ने की तैयारी है? कमार लड़ेंगे, सिली लड़ेंगे, आप खिजरी लड़ेंगे, मांडर लड़ेंगे, घटी का भी तैयारी चल रही है, गांव का तैयारी चल रही है, तो हम समझते हैं कि रांची जिला में सभी सीटों पर लड़ेंगे। तो रांची जिला में जैसे कोई कोई सीट जैसे रिजर्व है, कोई सीट रिजर्व नहीं है, जो जनरल सीट है, क्या उस सभी सीट पे आदिवासी निकाल लेते हैं? हमारी ये जो है अनुसूचित जाति का क्षेत्र है जी, तो ऐसे अनुसूचित जाति का कैंडिडेट खोज रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक वोटर हमारा 1.5 लाख वोटर है आदिवासी वोट, यदि कोई भी दलित को देंगे तो जीत जाएगा ना, इसलिए सभी जगह हम लोग इस तरह का जो है मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लोग कि जहाँ जनरल सीट भी आदिवासी संख्या ज्यादा है तो वहाँ भी चुनाव खड़ा करेंगे। हटिया जैसे आपका जनरल सीट है, रांची जनरल सीट भी खड़ा करेंगे, तो आपके आदिवासी सीट उतारिएगा कि जनरल लोग? वहाँ आदिवासी उतारेंगे दोनों सीट पे, बिल्कुल, दलित छोड़ करके जो जनजाति है वहाँ तो अनुसूचित जाति को उतारेंगे। मेरा प्लानिंग सभी जगह पर आदिवासी को खड़ा करना है और जहाँ पर जनजाति अनुसूचित जाति है वहाँ पर अनुसूचित जाति को। 8 तारीख को आ रहे हैं, 2 दिवसीय कार्यक्रम में आ रहे हैं, हमारा कोल्हान में बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं 15 तारीख को, तो 14 तारीख को 10 बजे पहुंच रहे हैं राजस्थान से, उनका भव्य स्वागत होगा और उसके बाद कार्यकर्ता संवाद होगा हमारा 14 तारीख को ही 3 बजे, 2 से 3 बजे तक होगा लोयला सभागार में, फुलिया रोड में, और शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद आराम करेंगे और 15 तारीख को वो चाईबासा जाके सभा को संबोधित करेंगे, उलीहातू जाएंगे वहाँ भी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है और आने से हमें लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी एक व्यापक पैमाने पर फैलने का काम करेगी, क्योंकि आदिवासी मसले पर राजकुमार रोत जय जोहार बोलता है, सदन में 5वीं अनुसूची की बात करता है, धर्म कोट की बात करता है, सभी आदिवासी मुद्दे पर बात करता है, इसलिए वैसा नेता ही देश को चला सकता है, राज्य को चला सकता है और अन्य व्यक्तियों ने हम आदिवासियों को छला है, आज तक एक भी नीतिगत फैसले नहीं। दादा, महिलाओं को अब इस बार विधानसभा में कितना चुनाव लड़ने की? महिला भी लड़ेंगी, उसकी विचार चल रहा है और महिला की भागीदारी ज़्यादा होगा।